नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के चमत्कारी शब्दों में रचित रश्मि रथि महाकाव्य की चर्चित कविता कृष्ण की चेतावनी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। ये कविता मेरे दिल को छूने वाली बेहतरीन कविता है। इस कविता का प्रसंग उस समय का है जब पांडव 13 वर्ष का वनवास पूरा कर लेते हैं और श्री कृष्ण उनको न्याय दिलाने के लिए शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि पांडवों को उनका आधा राज्य देना चाहिए, फिर भी अगर दिक्कत है तो पांचों भाइयों को 5 गांव ही दे दो, युद्ध का विनाश रुक जाएगा। लेकिन दोस्तों, दुर्योधन 5 गांव भी देने के लिए मना कर देता है और अपने सैनिकों को श्री कृष्ण को बांध कर जेल में डालने का आदेश दे देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाकर और दुर्योधन को युद्ध की चेतावनी देते हैं। तो उसी समय की कविता है। कविता शुरू करते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्यन सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर असीन उठाएंगे। अरे दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण उकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है ये देख पवन मुझ में लय है मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है संसार सकल अमरत्व फूलता है मुझ में संघार झूलता है मुझ में। उदियाचल मेरा दीप्त भाल भूमंडल वक्ष स्थल विशाल भुज परिधि बंद को घेरे हैं मैं नाक मेरु पग मेरे हैं दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर। दृघ हो तो दृश्य अकांड देख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख चर अचर जीव जग क्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित सर सिंधु मंदिर सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश सतकोटि विष्णु जलपति धनेश सतकोटि रुद्र सतकोटि काल सतकोटि दंडधर लोकपाल जंजीर बढ़ाकर साध इने हाँ हाँ दुर्योधन बांध इने हाँ हाँ दुर्योधन बांध इने। भूलोक अतल पाताल देख गत और अनागत काल देख यह देख जगत का आदि सृजन यह देख महाभारत का रण मृतकों से पटी हुई भू है अरे पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लोट मुझी में आते हैं। जिव्या से कड़ती ज्वाल सगन सांसों में पाता जन्म पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण। अरे बांधने मुझे तो आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन सुने को साधन सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य न पहचाना तो ले मैं भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ अरे याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी भू पर वहनी प्रखर फण शेष नाग का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। अरे भाई पर भाई टूटेंगे बिस बाण बूंद से छूटेंगे वायसराय सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुज के फूटेंगे आखिर तू भूसाई होगा हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन सब लोग डरे चुप थे या बेहोश पड़े।
केवल दो नर न अघाते थे, दृष्ट राष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद दोस्तों कविता सुनने के लिए। अगर उच्चारण में कुछ अशुद्धि रह गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत।